यहाँ पर काफी लंबे समय बाद फाइनली रियलमी 3 और रियलमी 3 आई के लिए लेटेस्ट नया अपडेट आ गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ रियलमी 3 और 3 आई के लिए C.13 का लेटेस्ट वर्जन का लेटेस्ट नया अपडेट आया है। यहाँ पर दोस्तों इसकी साइज आपको देखने के लिए मिलेगी 173 MB के आसपास। यहाँ पर दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि रियलमी 3 और रियलमी 3 आई के लिए C.11 का जो पिछला एक अपडेट आया था वो कई लोगों को अपडेट नहीं मिला था। तो दोस्तों मैंने भी आपको बता दिया था वो अपडेट क्यों नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों वो अपडेट सस्पेंड कर दिया गया था। तो वहां पर मैंने आपको बताया था C.12 का भी अपडेट आ सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ना C.11 का अपडेट आया वापिस ना C.12 आया। यहाँ पर सीधा आपको C.13 का लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिलेगा जो कि जून 2020 का ही होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको 173 MB की साइज देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर भले ही साइज छोटी है दोस्तों, लेकिन इसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं C.13 के नए अपडेट में। तो अपडेट लॉग में क्या है मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर एक एप्लीकेशन ऐड किया गया है, तो वहां पर आपको रियलमी लिंक ऐड कर दिया गया है। ये एक एप्लीकेशन है उसको यहाँ पर ऐड किया गया है। यहाँ पर दोस्तों सिस्टम में लो मेमोरी स्टेटस में हैंगिंग इशू का कुछ प्रॉब्लम नजर आता था वो यहाँ पर देखने के लिए मिलती, तो उसको यहाँ पर हटा दिया गया है इस नए अपडेट के बाद। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर फिंगरप्रिंट को भी ऑप्टिमाइज किया गया है, यहाँ पर फिंगरप्रिंट फास्ट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मतलब कई लोगों का स्लो चल रहा था, कई लोगों का मतलब रिकॉग्नाइज बराबर तरीके से वर्क नहीं करता था, उसको यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो फिंगरप्रिंट आपको यहाँ पर परफेक्टली अब देखने के लिए मिल जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप लोग गेम खेलते हो, जैसे पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी, कोई भी आप गेम खेलते हो, तो गेमिंग के समय यहाँ पर टच कभी कभी काम नहीं करता था। टच रिस्पॉन्स बहुत ही बेकार देखने के लिए मिलता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर साइड कॉर्नर जो होते थे वहां पर भी टच काम नहीं करता था एजेड्स की तरफ डिवाइस के गेम खेलते समय। तो यहाँ पर दोस्तों गेमिंग के अंदर अगर आपको टच प्रॉब्लम आती थी, तो इस अपडेट के बाद आपको वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। यहाँ पर इसको फिक्स किया गया है इस नए अपडेट के बाद। यहाँ पर दोस्तों कंपास का यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर दिया कंपास को। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर वीडियो सीन में थोड़ा सा सेचुरेशन और ब्राइटनेस को एडजस्ट किया, उसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज भी किया है। और साथ ही दोस्तों गेम में भी कोई साउंड की प्रॉब्लम नजर आती थी उसको भी यहाँ पर फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अपडेट लॉग की बात करूँ, तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई वो सारी चीजें अपडेट लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगी। बाकी तो अपडेट करने के बाद ही पता चलेगा कौन सी चीजें यहाँ पर फिक्स करके देखने के लिए मिल जाती है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको बात बोलूँ, तो दोस्तों यहाँ पर फाइनली रियलमी 3 और रियलमी 3 आई के लिए C.13 का लेटेस्ट अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो गया है। जिनको नहीं मिला है अभी भी, तो यार वेट कर लेना और चेक करते रहना, आपको जरूरी अपडेट देखने के लिए मिल जाएगा। और जिनको मिला है तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों और क्या आप उसमें फीचर देखने के लिए मिले ये भी मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो। जिनको नहीं मिला है आप लोग भी कमेंट करके मुझे ये भी बता देना। यहाँ पर दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट करके मुझे जरूर बताना। साथ ही दोस्तों थोड़ा सा भी अच्छा लगा है प्लीज यार वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल पे अगर आप लोग नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब करके जाना। अभी के लिए इतना ही, कोई अपडेट आएगी आपको जरूर बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।